और बड़ी खबर देखिए, राजनीति के गलियारों में शिवपाल को लेकर चर्चाएं तेज। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें हुई तेज। योगी और मोदी के ट्विटर के फॉलोअर बने शिवपाल यादव। शिवपाल ने पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया है, सीएम योगी को भी शिवपाल ने ट्विटर पर फॉलो किया है। शिवपाल यादव ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। तो अब लगातार शिवपाल यादव की बीजेपी में जाने को लेकर जो अटकलें हैं अब वो और तेज होती जा रही, और इसी के साथ ये देखिए सिलसिला शुरू हुआ। जब सपा ने बैठक बुलाई अपने विधायकों की तो उसके बाद से शिवपाल यादव लगातार नाराज दिखे। कैमरे के सामने भी उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की थी, और उसके बाद बीजेपी में जाने को लेकर उनकी अटकलें तेज हो गई हैं। अब अपडेट यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को शिवपाल सिंह यादव ने ट्विटर पर फॉलो किया है, पीएम मोदी को भी ट्विटर पर फॉलो किया है, और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी ट्विटर पर शिवपाल यादव ने फॉलो किया है। तो बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे हैं राजनीति के गलियारों में शिवपाल यादव को लेकर जो अटकलें हैं वो और तेज होती जा रही है। लगातार जो चर्चाएं हैं वो और तेज हो रही हैं शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने को लेकर। जो अभी तक आशंका जताई जा रही है उसको यहाँ पर मजबूती मिलती जा रही है हर एक घटनाक्रम से। और तस्वीरें देखिए उस वक्त जब सामने आई थी, जब सीएम योगी से मुलाकात की थी, तकरीबन 20 मिनट तक शिवपाल सिंह यादव ने, उन तस्वीरों को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह से भी उससे पहले मुलाकात की थी शिवपाल यादव ने, स्वतंत्र देव सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द शिवपाल यादव जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी से राज्यसभा भी जा सकते हैं, अपने बेटे को उपचुनाव भी लड़वा सकते हैं जशवंत नगर सीट से। और इसी के साथ अब देखिए ये खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिवपाल यादव ने ट्विटर पर फॉलो किया है, और इसी के साथ दिनेश शर्मा को भी। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे इस खबर पर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर देखिए, इस पर नजर डालिए। जब सतीश महाना से देखिए वो मुलाकात करने पहुंचे थे, हालांकि जिस दिन पहले दिन विधानसभा में विधायकों को शपथ लेनी थी उस दौरान वहां पर शिवपाल यादव नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद सतीश महाना को अलग से देखिए बधाई देने के लिए बाद में यहां पर वो पहुंचे, और उसके बाद शिवपाल यादव को लेकर अटकलें लगातार तेज हो रही है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक के बाद एक जो घटनाक्रम है शिवपाल यादव को लेकर, तस्वीर अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये साफ कर रहे हैं, क्योंकि अब सीएम योगी को, पीएम मोदी को, दिनेश शर्मा को उन्होंने ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। देखिए बिल्कुल कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल नए तरीके की घटना है। जब शिवपाल यादव अपनी ही पार्टी से नाराज हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलते हैं, और उसके बाद में जो घटनाक्रम है, एक के बाद एक जो कड़ियां जुड़ रही हैं, ऐसा संकेत लग रहा है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। औपचारिक रूप से अगर भाजपा नहीं भी शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में वो जरूर दिखाई देंगे, और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया है, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया है, डिप्टी सीएम के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया है, एक तरीके से अपना कनेक्ट दिखाया है भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए अटकलें ये भी लगने लगी हैं शिवपाल यादव को लेकर कि वो हो सकता है बीजेपी से राज्यसभा भी चले जाए, और अब तो ये जो तस्वीरें सामने आने लगी इन बातों को और पुख्ता कर रही हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है ये, क्योंकि शिवपाल यादव को अपनी उम्र के पड़ाव पे आकर के जूझना पड़ रहा है, अपने बेटे को अभी तक वो स्थापित नहीं कर पाए हैं राजनीति में, उनकी पार्टी अभी नहीं है, और समाजवादी पार्टी खेमे से वो धोखा खा रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो बीजेपी खेमे से राज्यसभा सांसद जाना ज्यादा बेहतर विकल्प समझेंगे, और इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी की मदद से अपने बेटे आदित्य यादव को भी राजनीति में जगह स्थापित कर देंगे। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य भी वो देख रहे हैं और खुद का भी भविष्य यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो ट्विटर पर ये फॉलो करने की बात आई है, जो बाकी पिछले घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर अभी तक क्या समाजवादी पार्टी कुछ रिएक्ट करती नजर आ रही है? हालांकि अभी तक सब कुछ सन्नाटा वहां पर दिख रहा है। देखिए अभी फिलहाल इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, खुद शिवपाल यादव ने भी कल ही इतना कहा था कि सही समय आने पे जानकारी दी जाएगी, समाजवादी पार्टी खेमे से कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। हाँ, बीजेपी दफ्तर से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी बात की है, उन्होंने भी मुस्कुरा करके बहुत आसानी से इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसको टाल दिया। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने को जरूर पक रहा है, कोई अभी फिलहाल इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल आपका। जंग का आज